mind as well while preparing the new education policy for the better of our upcoming generation. Now, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ভারতের কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী শ্রীপি জুবিন ইরানিকে নিউ এডুকেশন পলিসি সম্পর্কে তার চিন্তা ভাবনা আমাদের সামনে ধরে রাখবেন। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर साहब मंच पर विराजित स्वामी आत्मप्रियानंद जी मंचासीन नैक के हमारे डायरेक्टर आदरणीय बीपी सिंह जी एआईसीटी के चेयरमैन आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धि जी मंचस्थ सभी महानुभाव और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चिंतन मंथन और अभिनंदनीय जो मार्गदर्शन इस बैठक के माध्यम से हमें विद्यार्थी परिषद से मिला है उस सहयोग और उस चिंतन के लिए सर्वप्रथम इस मंच से आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि जो नीति बनाई जा रही है उस नीति के मापदंड तय करने से पहले चर्चाएं एकेडमिशियन से करने से पहले मैंने मंत्रालय में मात्र एक प्रश्न पूछा कि अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं और पूछा जाए कि वो लोग जो इस नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं देश के छात्र देश के अभिभावक धरातल पर काम करने वाली हमारी डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स, पंचायतें हमारे गांव, क्या कभी उस नागरिक से पूछा गया है कि आप किस प्रकार की नीति चाहते हैं देश में? मुझसे कहा गया ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये देश इतना बड़ा है, संभावना मात्र व्यक्त करने से मंत्रालय में मेरे पास जो रिएक्शंस आए उन रिएक्शंस में कुछ बिंदु ऐसे थे, कुछ दिल्ली में बैठे हुए पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स ने कहा गांव में जाकर पूछेंगे कि किसे किस प्रकार की शिक्षा चाहिए। एक और महाजन ने मुझसे कहा कि मैडम नीति निर्धारित करते हैं सेलिब्रेटेड एकेडमिशियंस, बनाते हैं सेलिब्रेटेड ब्यूरोक्रेट्स। मैंने उनसे आग्रहपूर्वक कहा कि एजुकेशन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, और अगर हम चाहते हैं कि जीवन पूरे हमारी शिक्षा हमारे हर गांव में हर परिवार में, तो इस नीति को बनाने के लिए हर परिवार को हर नागरिक को संग लेकर चलना होगा। कुछ लोगों ने कहा कि असंभव सा है, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि एक बार ह्यूमन रिजॉल्व और टेक्नोलॉजी का समावेश हो समन्वय हो तो सब कुछ संभव है। आज के दिन हमने देश भर में 2,50,000 विलेज एजुकेशन काउंसिल, 6,600 ब्लॉक्स देश के सभी जिलों से और देश के सभी राज्यों से आग्रह किया कि हम आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, हर पंचायत के प्रतिनिधि को ट्रेन करवाया ताकि वो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी पंचायत में शिक्षा को लेकर क्या चर्चा हो रही है वो अपना ज्ञापन भारत सरकार को सीधा पहुंचाए। मैं स्वयं लगभग 80 जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर संपर्क में रही, प्रत्येक राज्य के मंत्री के साथ चर्चा की और जोनल कॉन्फ्रेंसेस भी हमने 31 अक्टूबर को पूरे देश में समाप्त की। आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि देश की लगभग आज सुबह 12 बजे तक का आंकड़ा है कि लगभग 70,000 पंचायतों ने हमें बतलाया है कि वो किस प्रकार की शिक्षा की कल्पना करते हैं अपने गांव के लिए,
अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने परिवारों के लिए। देश के सभी राज्य, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, अभिभावकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, किस प्रकार की शिक्षा अपने प्रदेश में चाहते हैं उसका पूरा का पूरा ढांचा हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस सब को कोलेट करने के लिए, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार ने ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन किया है। ड्राफ्टिंग कमिटी से आग्रह किया गया है कि देश भर से आए सारे सुझावों को, चाहे वो सुझाव पंचायत से आया हो, जिला से आया हो, महानगर पालिका से आया हो, उन सबको कोलेट कर पहला ड्राफ्ट बनाए। जिस प्रकार से हमने mygov.in पर 33 शिक्षा से संबंधित बिंदुओं पर राष्ट्र भर की जनता से उनके व्यूज मांगे, सीबीएसई के माध्यम से देश के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पूछा गया कि अगर आप कक्षा 8, 9, 10 के छात्र हैं, आप बताइए शिक्षा में आप क्या बदलाव चाहते हैं। कुछ छात्रों ने हमसे कहा, मैम बताएंगे तो स्कूल में टीचर डांटेगी। हमने कहा चिंता मत कीजिए, आपकी प्राइवेसी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और इससे एम्बोल्डन होकर 15,000 छात्रों ने, स्कूली छात्रों ने अपनी राय, वर्तमान में वो किस स्कूली शिक्षा की चुनौती से गुजर रहे हैं, अपने अनुभव को बताते हुए उन्होंने हम तक संदेश पहुंचाया कि वो किस प्रकार की शिक्षा नीति चाहते हैं। ये शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग जिन्हें लगता है कि पूरा का पूरा इंटेलिजेंस या देश का हम है, आज देश के धरातल पर चलने वाला नागरिक उनसे कहता है गर्व के साथ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी उसमें मेरा भी योगदान है। जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिजोल्व का जब समन्वय होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं ये ड्राफ्टिंग पॉलिसी को आपने कहा है 2 महीने में ड्राफ्ट तैयार करो, स्टेट को दो, वापस ऑनलाइन उपलब्ध कराओ ताकि जनता जनार्दन इस ड्राफ्ट को भी देखे, अपने विचार दे और फाइनल ड्राफ्ट हम बनाए। उन्होंने कहा ये 1 साल में कैसे संभव है। मैंने कहा हमारा अनुभव ये है कि 1 साल पहले लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट बनेगा। उस वक्त कुछ लोग हंसे थे, उन्होंने कहा थे असंभव है। लेकिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी बोले, 17 अगस्त को हम सब ने यूडाइस के माध्यम से भारत की सभी सरकारी स्कूलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई। उसमें हमने अभिभावकों से, नागरिकों से एक विशेष निवेदन किया। हमने कहा ये वो आंकड़ा है जो भारत सरकार के पास आता है प्रदेशों से, इसमें हर जिले में हर स्कूल तक की डिटेल जानकारी हमारे पास है। हमने नागरिकों से आग्रह किया कि आप जाकर देखिए अपने गांव के स्कूल में टॉयलेट है भी या नहीं, क्योंकि कई बार टॉयलेट कागज पर होता था, जमीन पर नहीं। नागरिकों ने, अभिभावकों ने, छात्रों ने ऑनलाइन जाकर पुष्टि की, कई राज्यों के आंकड़ों को बदला गया। और आंकड़े बदलने के बाद हमने राज्यों से आग्रह किया कि अगर आप किसी गांव में, किसी स्कूल में टॉयलेट बनाते हैं तो हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के फोटोग्राफ भेजिए, फाउंडेशन जब रखी जाती है उसका फोटोग्राफ भेजिए, आधी जब टॉयलेट बन जाती है उसका फोटो भेजिए और पूरी जब बन जाती है उसका फोटो भेजिए। फोटोग्राफ प्राप्त होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हुए। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से हमने विशेष आग्रह किया कि आप हमें ऑब्जर्वर्स की टीम दीजिए। और 310 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स
राष्ट्र के हर जिले में गए, एमएचआरडी से 150 और ऑब्जर्वर्स गए, इसका मतलब 460 लोग भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हर जिले में देश के गए, जिला के और प्रदेश के अधिकारियों के साथ उन्होंने जाकर एक एक टॉयलेट को चेक किया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2015 को देशवासियों का अभिनंदन कर पाए, क्योंकि ह्यूमन रिजॉल्व टेक्नोलॉजी एक साथ आया और हमने विद इन टाइम विद इन बजट इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को जिसका नाम है स्वच्छ विद्यालय उसको साकार किया। इसका मतलब ये देश एक बार ठान ले ले, जैसे वो एक फिल्मी गाना है ना, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। संभावनाएं कई हैं और अगर हमें शिक्षा की दृष्टि से देश में संभावनाओं को बदलना है, चैलेंजेस छोड़कर सॉल्यूशंस की ओर बढ़ना है, तो कई चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है। आज नागेश जी जब बोल रहे थे तो मैंने उनसे कहा, नागेश जी ये लोकतंत्र है, कई चीजों पर हम सहमत होंगे बट वी ऑल्सो रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री। There are many issues on which I agree. अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि there should be a thrust on research. दो तीन दिन पहले ही महामहिम राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का सबसे बड़ा ambitious research project राष्ट्र को समर्पित किया, जिसका नाम है Imprint India. 10 scientific research domains हैं, जिसमें इकोलॉजी सम्मिलित है, वाटर रिसोर्सेज, रिवर सिस्टम्स है, एडवांस मटेरियल है, नैनो टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, सस्टेनेबल हैबिटेट है, डिफेंस है। इन सारे बिंदुओं को हमने राष्ट्र भर में चर्चा कर एक डोमेन स्पेशलाइजेशन की दृष्टि से निर्धारित किया कि इन 10 डोमेन्स में कितने हमारे विशिष्ट साइंटिस्ट मिलकर काम करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि डोमेन बनाने से ही रिसर्च संभव नहीं है, वी हैव टू पुट आवर मनी वेयर द माउथ इज। इसलिए आज से दो दिन पहले ही मैंने इम्प्रिंट इंडिया को एमएचआरडी की ओर से 500 करोड़ का सपोर्ट दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि रिसर्च जो सिर्फ लैब तक सीमित हो और इंडस्ट्री तक ना पहुंचे, लोगों के स्किल में वृद्धि ना करे, वो रिसर्च इतनी एक्साइटिंग नहीं होती आज के छात्र के लिए। इसलिए हमने उच्चतर आविष्कार योजना के तहत हमारे सभी एनआईटीज आईआईटीज को कहा कि आप एक दूसरे के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पर कंपीट कीजिए, इंडस्ट्री को संघ बुलाइए जो उसमें पार्ट फंडिंग दे और हम आपको 250 करोड़ रुपया देंगे। एन इम्पेटस टू रिसर्च इफ देयर इज एन इंडस्ट्री पार्टनर, ताकि वो नौजवान, वो महिला जो लैब में इस सपने के साथ रिसर्च करती है कि उसे इंक्यूबेट करके आगे एक बिजनेस मॉडल की तरह राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत करना है, उसको पहले से ही आर्थिक सहयोग मिले। एक चिंतन है हमारे देश में कि कैसे महिलाओं का रुझान साइंस के प्रति बढ़े। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं रामकृष्ण मिशन में दूसरी बार आई हूं, पहले कॉन्वोकेशन के लिए आई थी स्वामी जी के साथ। पूर्वोत्तर के एक राज्य के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में मेरा जाना हुआ, जैसे मंत्री अक्सर जाते हैं, लोगों ने स्वागत किया, रुके दिए और बस उन्हीं जगह पर लेकर गए जो फोटोग्राफ में अच्छे लगते हैं। छात्रों के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन एक दो छात्र कह रहे थे हाँ आप भी आइए, फोटो खींचे जाइए। और उसको देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा गाड़ी से उतरकर कैंपस में चला जाए। गए तो क्या देखा,
हमने कहा जिस लैब में आपकी तैयारी नहीं थी मंत्री आने की, उस लैब में हमें जाना है। लैब में जा रहे थे, गुजर रहे थे कॉरिडोर से, तो देखा है टॉयलेट है टूटा है। हमने कहा किसका टॉयलेट? फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हम मूलभूत सुविधा छात्र को देंगे नहीं, तो कैसे विकास होगा रिसर्च की दृष्टि से? मैंने आग्रह किया, मेरे आग्रह को स्वीकार किया गया। यहाँ पर हमारे कई वाइस चांसलर्स बैठे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लीडर्स बैठे हैं। मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हम पहले यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में लड़कियों का अगर टॉयलेट ही फिक्स कर दें तो अपने आप पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे। कैंटीन में छात्र लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्यों? आप सब भली भांति परिचित है, आप लोगों को कई जुलूस निकाले हैं। कभी खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, कभी सफाई नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि एक स्टूडेंट्स चार्टर बने हर इंस्टीट्यूट के, जिसमें मूलभूत सुविधाएं सेवाएं अगर आप छात्र को दें तो वो छात्र इतना क्षमतावान है कि वो पढ़ लिख के खुद ही देश का और अपने समुदाय का नाम रोशन कर सकता है। और हमारी कोशिश है कि यही सब बातें एजुकेशन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि रिटोरिकल बोलना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि छात्र हो या संस्थान हो या शिक्षक हो, उसे मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। नैक और AICTE के दोनों महानुभाव इस मंच पर विराजित हैं। अक्सर एक द्वंद्व रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता अक्रेडिटेशन और रैंकिंग के बीच में जमीन आसमान का फर्क। देश भर में बहुत सारे बाप रे हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रैंक नहीं हो रहे, लेकिन उसके पीछे भी कारण है। मुझसे बेहतर डॉक्टर शास्त्रबुद्धि बोल सकते हैं इस पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूशंस को आंका जाता है तो हम क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि मूलभूत हमारे यहाँ रिसर्च विविध भाषाओं में होती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसीज में रिसर्च जो अंग्रेजी में होती है उसका महत्व होता है। हमारे देश में विविध रिसर्च होती है तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कैसे अपने रिसर्च को पेटेंट करना, कैसे इंटरनेशनल जर्नल्स में उसे पब्लिश कराना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसीज मात्र उसी रिसर्च को आंकती हैं ज्यादा जो किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई। हमारे देश में जद्दोजहद रहती है कि हमारे छात्र किस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी जब आपको रैंक करते हैं तो उनका रैंकिंग का एक पैरामीटर होता है कि आपके संस्थान में कितने फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये जो देश भर में हंगामा होता है, क्यों भारत नहीं आ रहा, क्यों भारत नहीं आ रहा, भारत विविधताओं का एक देश है। भारत का अपना एक टेम्परमेंट है, अपनी विशेषता है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कई बार दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी संस्थाओं को कम आका जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन किसी भी स्तर से कम है, क्योंकि ये भी एक पत्थर पर लकीर वाला सच है कि आज अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिकल साइंसेस की बात करें, लाइफ साइंसेस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो विश्व भर में हिंदुस्तानियों का डंका बजता है। इसलिए पहली बार हमने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूशंस अपने आप को रैंक करेंगी। AICTE जैसी एजेंसीज जाकर इंस्टीट्यूशंस को परखेंगी कि उन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है। फिर इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में कंपैरिजन होगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन बेहतर है, कौन सी ठीक है, कौन सी इतनी अच्छी नहीं है, और अप्रैल के महीने में उसे पब्लिश किया जाएगा ताकि छात्र जब एडमिशन ले तो उसके पास वो जानकारी हो कि वो किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। अक्रेडिटेशन का मतलब आपका इंस्टीट्यूशन फैकल्टी बाय फैकल्टी कैसे जज होगा, उसकी जानकारी और उसका स्तर
फिर राष्ट्र के सामने आएगा। ये बातें बहुत टेक्निकल सी हैं, छोटी सी हैं, लेकिन इससे एजुकेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और मेरी दृष्टि से, ड्राफ्टिंग कमिटी अपना निर्णय बताएगी, मेरी दृष्टि से आगामी समय में रैंकिंग और अक्रेडिटेशन हमारे देश की शैक्षिक संस्थानों के लिए एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि छात्र का अधिकार है जानना कि वो कौन से संस्थान है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने फ्यूचर को। बात मात्र पैसों की नहीं है, उस संस्थान की नेशनल रीजनल स्टैंडिंग क्या है ये जानने का अधिकार अभिभावक का भी है। इसलिए नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में हमने एक परसेप्शन दिया है कॉलम जो स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या सोचता है, वो भी हमें बताएगा और वो भी मार्किंग का एक हिस्सा बनेगा। क्योंकि आज तक स्टूडेंट को सिर्फ उपभोक्ता की दृष्टि से देखा गया है, स्टूडेंट का अधिकार है, हमारा निर्णय था कि हम इंस्टीट्यूशंस को ये बताएं। और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रारूप है वो भी इस चुनौती को समझेगा, इस समाधान की ओर बढ़ेगा। ये सच है कि फाइनेंशियल रिवाइवल प्लान जरूरी है, जैसे नागेशी ने कहा अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए। और अक्सर हमने देखा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत पैरामीटर्स को थोड़ा सख्त करने की जरूरत है कि अगर भारत के टैक्सपेयर का पैसा जाता है किसी संस्थान को तो सबसे पहला कंडीशन यह होना चाहिए कि आप टीचर की हर वेकेंसी को भरें। कंडीशन ये होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लाइब्रेरी हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संस्थानों में स्विमिंग पूल पहले बनता है, लाइब्रेरी बाद में, लैब में सुविधा नहीं हो। तो हमारी कोशिश है कि इन सब चीजों में सुधार लेकर आए। कल ही राष्ट्र को हमने समर्पित किया ई पाठशाला। कई बार ये चुनौती रहती है और विशेषता जो गरीब परिवार के हैं वो कहते हैं कि किताबें या तो समय पे नहीं मिलती या ठीक नहीं मिलती और एडिशनल रिसोर्स खरीदने का हमारे पास पैसा नहीं रहता। कल ही हमने राष्ट्र को समर्पित किया ई पाठशाला, एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी की सारी किताबें हिंदी इंग्लिश उर्दू में उपलब्ध होंगी फ्री में राष्ट्र के हर नागरिक के लिए। मेरा परिषद से एक आग्रह, आपका राष्ट्र भर में एक बहुत ही संपन्न, एक बहुत ही सशक्त संगठन, मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि अब हर मोबाइल पर यह सुविधा उपलब्ध है, किसी गरीब बच्चे तक अगर मदद पहुंचानी हो तो आप इसका उपयोग जरूर करें, विद्यार्थियों से जरूर करें। गरीब पिछड़े दूरगामी इलाकों में जाकर ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों की मदद जरूर करें। हमारा काम था रिसोर्स को डिजिटाइज करके मुफ्त में उपलब्ध कराना। हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपने संगठन के माध्यम से अगर इसकी जानकारी विशेषकर गरीब परिवारों में देंगे तो उससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। लेकिन अक्सर लोगों का मानना है कि परिषद स्कूली छात्र के लिए नहीं है, परिषद हायर एजुकेशन में काम करता है। इसलिए अगर अध्यक्ष जी आप हमारी ये मदद करेंगे तो एक चीज हम विशेष परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा है, उनके उस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज मैं घोषणा कर देती हूँ। सुनील जी रघुनंदन जी कर दो, हमारे पास लगभग 29 यूजी के टेक्स्ट, विजुअल्स, सेल्फ असेसमेंट शीट्स, बुक्स हैं सोशल साइंसेस, साइंस और लैंग्वेजेस में। ई यूजी शाला 25 दिसंबर को मैं राष्ट्र को समर्पित करूंगी मुफ्त में। कोशिश ये है
कि अगला चरण ईपीजी शाला हो, लेकिन पीजी वाले सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरा शर्त यह है कि ई पाठशाला को आपको बच्चों तक पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर है? अरे मैं भरोसा इसलिए जता रही हूँ लोगों पर क्योंकि मैं जानती हूं कि हम सब एकजुट होते हैं राष्ट्र के हित में, इसलिए आज एक चिंतन ये भी था मंच से और आप सब ने जो समेशन दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि टीचर की अपॉइंटमेंट्स में, टीचर की इवैल्यूएशन पे, टीचर की परफॉर्मेंस पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए। 25 दिसंबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर फॉर ट्रेनिंग को राष्ट्र को समर्पित किया। हमारा यह प्रयास रहेगा कि अगले साल हम भी एकेडमिक लीडरशिप के साथ साथ सब्जेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन में टीचर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएं। ये काम अभी शुरू हुआ है, इसको फलीभूत होते हुए आगामी 10 महीने लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ी बहुत कल्पना करती हूँ धैर्य की। लेकिन एक चीज ये भी है कि अक्सर ये चिंतन मैंने देखा है कि पढ़ाई महंगी ना हो, आप लोग वर्षों से उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई बार मेरे पास ज्ञापन है। इसलिए आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले परिषद को बतलाना चाहूंगी कि भारत सरकार द्वारा स्वयं नाम का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अनिल जी, डीपी सिंह जी, ये सब इस बात से अवगत हैं क्योंकि देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईएम्स, एनआईटीज, आईसर्स, ट्रिपल आईटीज, एनआईओस के माध्यम से भी कुछ थीम्स, राष्ट्र का पहला इंडिजिनियस मूक्स प्लेटफॉर्म बनेगा स्वयं, जिसमें हमारी कल्पना है कि 2.5 लाख घंटों का ई कंटेंट अवेलेबल होगा। ये सभी हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, 10th और 12th का बोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म पर हर भारतीय नागरिक के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगी। राष्ट्र भर में हमारा प्रयास है कि हम 1000 एग्जामिनेशन सेंटर्स चिन्हित करेंगे। उन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आप जिस कोर्स में सर्टिफिकेशन पाना चाहते हैं उस कोर्स का आकर एग्जाम देंगे। एग्जाम फीस डिपेंड करेगा कोर्स पर, लेकिन एग्जाम फीस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। अनिल जी बैठे हैं यहाँ पर AICT की तरफ से, AICT और UGC मिलकर सभी हायर एजुकेशन कोर्सेज के लिए क्रेडिट्स निर्धारित करेगी ताकि राष्ट्र भर में छात्र को इस ऑनलाइन सिस्टम के बाद फिजिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में प्रवेश लेने में सुविधा हो। इस विश्व में पहली बार एक नेशनल क्रेडिट मूवमेंट अवेलेबल होगा सिर्फ एक राष्ट्र में, जिसका नाम भारत है। और जिस कमर्शियलाइजेशन और एक्सपेंसिव एजुकेशन की चिंता आप लोग बार बार करते हैं, मुझे लगता है कि क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स जब ऐसे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में पढ़ाने को तैयार होते हैं, इससे बहुत बड़ी राहत हमारे देशवासियों को मिलेगी। लेकिन आज जैसे स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा किस लिए? राष्ट्र के निर्माण के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ें, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा योगदान मानव के निर्माण के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी हो।
इसलिए स्कूली शिक्षा में एक प्रयोग हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहला चरण दिसंबर के माह में दिखेगा। कला उत्सव नाम का एक कार्यक्रम स्कूली छात्रों के लिए शुरू हो रहा है, जिसमें हर छात्र अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपनी प्रादेशिक संस्कृति के आधार पर किसी नृत्य, गीत, नाटक, पेंटिंग के आधार पर राष्ट्रीय थीम पर अपनी प्रस्तुति करेगा। इस साल का थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर आकर दिसंबर के माह में कंपटीशन होगा, ताकि अपने लोग गीत, संगीत, कला, संस्कृति का प्रदर्शन वो राष्ट्रीय मंच पर कर सके। मेरा आग्रह है कि अगर ऐसा ही कार्यक्रम हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करें और उस कला को किसी स्किल से जोड़े, डाइंग आर्ट को किसी स्किल से जोड़े, तो मुझे लगता है छात्र अपने आप में बहुत एक्साइटेड होंगे ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में। अगर इसके बारे में सोचकर आप मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं तो मुझे लगता है वो भी इम्प्लीमेंटेबल हो सकता है अगले वर्ष तक। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, ध्येय ये है अंत में कि नीति जब बने, with an intelligent heart and a kind brain, यही ध्येय है कि शिक्षा राष्ट्र के निर्माण के काम आए, चरित्र के निर्माण में काम आए, इंसानियत को और जोड़ने में काम आए। आपने इस अधिवेशन के माध्यम से जो कुछ मूलभूत बातें मेरे सामने रखी, चाहे वो टीचर अपॉइंटमेंट पर हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज का समर्थन हो, चाहे वो रिसर्च पर ज्यादा भार हो, या शिक्षा को क्वालिटी मेंटेन करते हुए भी कैसे इनएक्सपेंसिव करना हो, इन सब पर मैं अपना समर्थन व्यक्त करती हूँ, आपके इन सुझावों को स्वीकार करती हूँ। और आज मुझे यहाँ आमंत्रित करके सम्मानित करने के लिए अपनी ओर से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। That was really awesome, Swetiji, to hear from you that even a class 8 student studying in a remote village of India is also a stakeholder in framing the new education policy. Now, before requesting the vote of thanks, I would like to request Professor Ravi Ranjan Sen to give a book on the teachings of Swami Vivekananda Ji to Shriti Zubin Irani Ji, Honorable Union Minister of HRD, Government of India. Professor Ravi Ranjan Sen, I would like to request you to deliver the vote of thanks for this valedictory session. At the fag end of the valedictory session of this two-day national seminar on the new education policy, the only thing which remains now is the vote of thanks, a formality for which I am now before you. First of all, I thank all the guests of this function, especially the Honorable HRD Minister, Srimati Smriti Zubin Irani, the Union HRD Minister of the Government of India, who has spared আপনারা যাবেন না, কারণ আমাদের এখন শেষ মুহূর্তে ফাংশনের শেষে বন্দে মাতরম হবে, তারপর আপনারা এখান থেকে প্রস্থান করবেন। I thank the Honorable Minister. I also thank Dr. Anil Sahasrabuddhe of the AICTE, Swami Atmapriyananda, Swami Suparnananda Ji, Dr. Nagesh Thakur, and all of you who have participated in this function today over here. For the successful completion of this seminar, I especially thank the AICTE, without whom this seminar would not have been possible. I thank the Ramakrishna Mission Vivekananda University, Belur Math, for their cooperation.
I thank the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpar, for providing such a pleasant and ambient venue for which the successful completion of this seminar is grateful to the Ramakrishna Mission Institute of Culture, all the staff of the Ramakrishna Mission Institute of Culture who helped in all the arrangements, the stage, the lighting, and cooperated with us smilingly all the time. We hope for the cooperation of all these institutes in the future too. I thank all the distinguished guests, the vice chancellors, the directors of academic institutes, the academic administrators, teachers, and academicians who have gathered here for these 2 days to make this seminar a success. I thank all the media personnel who have covered this seminar of ours. I also thank Kolkata Police for their cooperation for today's valedictory function. And now we will have Vande Mataram. For Vande Mataram, I invite Gargi Mondol to do the honors, and I also request all of you to please stand up in your places for Vande Mataram. Kamala Kamala Gaya Bihar.